तो जो वादे निभा नहीं पाए गोवा में यूपी में, उनसे कौन विश्वास करेगा कि आप यहाँ दे पाओगे। तो मैं कहना चाहूंगा कि जो स्थिति है, प्रधानमंत्री जी ने जो वादे 14 में किए थे, अगर उनकी स्पीच कोई पढ़ ले तो हमें कहने की आवश्यकता ही नहीं है। अब वो जो वादे किए थे, जो आरोप लगाए थे भारत सरकार यूपी गवर्नमेंट पर, 2G स्पेक्ट्रम और कोलगेट लोकपाल और पूरा इनका स्पॉन्सर खेल था वो, केजरीवाल जी का और अन्ना हजारे खेल, RSS और BJP का स्पॉन्सर था वो, और उनके आधार पर सरकार यूपीए को बदनाम किया, गवर्नमेंट आ गई BJP की, NDA की। आप देख लीजिए उन वादों को याद नहीं करता। 2 करोड़ लोग रोजगार देने की बात करी, वो गायब हो गई। 15 लाख का तो जुमला बता दिया, जुमला था हमारा। तो कहने का मतलब जिस प्रकार से इन्होंने देश को गुमराह किया लोगों को धर्म के नाम पर, वो कब तक काम चलेगा, कब तक चलेगा काम? हमारा मानना है कि देश की जनता ने 2 बार उनको फैसला दिया, उनको बनाया है, सरकार बनाई है। तो मैं समझता हूँ कि पूरी ईमानदारी के साथ में उनकी कतनी करनी में अंतर नहीं होना चाहिए, जो कहा है वो करना चाहिए। गवर्नेंस तभी मैं समझता हूँ कि उस रूप में हो पाएगा। हम अन्नपूर्णा किट भी दे रहे हैं, जिसमें क्योंकि इतनी महंगाई बहुत ज्यादा है, इसलिए हम लोगों ने जैसे केरला के अंदर गवर्नमेंट ने किया था, उसी ढंग की हमारे वहाँ अन्नपूर्णा योजना लागू होगी। तो हम लोग सबको किट के अंदर गेहूं के अलावा दाल है या चीनी है, ऑयल है, सब कुछ देंगे, मिर्च प्रसाद देंगे। तो राजस्थान में जो हमने शुरू किया है, मैं उम्मीद करता हूँ कि 100 यूनिट हमने घरेलू बिजली का भी फ्री किया है। 1.4 करोड़ लोगों के बीच जीरो आएगा वहां पर। किसानों ने 2000 यूनिट बिजली फ्री करी है, फिर 15 लाख किसानों को बिजली के बिल फ्री आएंगे। इस प्रकार से अभी लंपी रोग हो गए, पता नहीं कर्नाटक में उसका कितना असर था, हमने 40,000 रुपये प्रति गाय जो मर गई लंपी रोग में, उस पर 40,000 रुपये मैंने अनाउंस किया बजट के अंदर। हमने पहले अनाउंस किया है, अभी मैं पढ़ रहा था सुप्रीम कोर्ट का निर्णय 10 दिन पहले। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि लंपी रोग में जो गाय मरी है उनको मुआवजा मिलना चाहिए देश के अंदर। हमने उसको डिक्लेयर कर दिया है, जल्दी बनने लग जाएगा, और आगे के लिए गायों का इंश्योरेंस कर दिया हम लोगों ने। 40,000 रुपये गाय प्रति परिवार, 2 भैंस या गाय कोई भी हो। तो ये तमाम काम जो है हमने बहुत सोच समझ के किए हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि पब्लिक में बहुत अच्छा माहौल है राजस्थान के अंदर इन बातों को देख के। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अब हम चुनाव DMK ने कांग्रेस से समर्थन करने का यहाँ पे कहा है, ये भी मैं समझता हूँ कि DMK हो या कोई पार्टी वाले हो,